आपकी जिंदगी में बदलाव लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको, आपकी डायमंड सिक्योर लाइफ में, क्योंकि सिक्योर लाइफ में जो भी जिसको आगे लेके जाता है उसको वो गुरु कहते हैं। तो आज आप लोगों के गुरु, आप लोगों के पथ प्रदर्शक एक ऐसे शख्स जिन्होंने बहुत कम समय में अपने डेडिकेशन से, अपने समर्पण से, अपने इमेजिनेशन से, अपने मोटिवेशन से, अपनी नोबलनेस से वो जगह हासिल कर ली जो हर आदमी का सपना होता है। मिलना चाहेंगे उनसे? तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मिसेज एंड मिस्टर, नाम मैं नहीं बोलूंगा, मैं चाहूंगा कि नाम आप लोग बोलें। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा, सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मिसेज एंड मिस्टर माधव सिंह कुशवाहा। जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना
सिर्फ मेरे लिए, कसम से जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए। कभी न कम हो बेकरारी अपनी, यूं ही बढ़ती जाए ये खुमारी अपनी। मुझको धड़कनों में तुम छुपा के रखना, चाहतों को दिल से तुम लगा के रखना। Thank you.
मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, आज मैं एक बहुत मध्यम परिवार से हूं, लेकिन आज एक बड़े खानदान की बहू हूं मैं। एक छोटे परिवार की बेटी जरूर हूं, लेकिन आज बहुत बड़े खानदान की बहू हूं मैं। कहते हैं औरत का अस्तित्व उसके ससुराल से होता है, और मेरा भी अस्तित्व मेरे ससुराल से है, जहां मुझे सभी प्यार करने वाले मिले। मेरे सास ससुर ननद देवर सभी बहुत अच्छे हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अक्सर ये इतना टाइम नहीं दे पाते मेरे को, तो मैं अक्सर उनसे पूछती थी ये क्या करते हैं, तो मुझे थोड़ा थोड़ा पता पड़ता गया कि ये करते हैं फिर मुझे ना अभी कुछ ही दिन पहले मैंने ओम सर की किताब पढ़ी, उससे मुझे पता पड़ा कि सच में जो मेरे हस्बैंड करते हैं उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वो कुछ ऐसा करते हैं, उससे पहले मुझे पता ही नहीं थी कि ये क्या होता है, क्योंकि इनके पास इतना टाइम नहीं रहता था कि ये मुझे बता सकें कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता मैं वो किताब पढ़ती थी, और मुझे वो सर की वो किताब बहुत पसंद आई, और जिसके लिए मेरी दिमाग की जितनी भी गलत फहमी थी वो सब खत्म हो गई। रही बात टाइम देने की, तो जिंदगी बहुत लंबी है अगर हम चाहें तो, ना चाहें तो जिंदगी बहुत छोटी है, क्योंकि सब कुछ हम पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर हम ये सोच लें नहीं यार अब नहीं, तो जिंदगी समझो खत्म। अगर हम ये सोचें कि नहीं जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, बहुत लंबी, तो समझो आपकी सांसें खुद पे खुद ये कहेंगी नहीं अब मैं इसको दोबारा भी आऊंगी। मैंने अपनी जिंदगी में शादी से पहले कुछ ऐसा गोल्ड मेडल तो नहीं पाया, लेकिन शादी के बाद गोल्ड मेडल जैसा पति जरूर पाया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरा सब कुछ, पुराने उसमें लिखा है शास्त्रों में कि पति पत्नी का संबंध 7 जन्म तक होता है, तो मैं ईश्वर से दुआ करूंगी अगर 7 जन्म के बदले 8 जन्म हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर मैं 8 बार डायमंड बनूंगी मैं। सिक्योर लाइफ के सभी जामा सिपाहियों को माधव कुशवाहा डायमंड का नमस्कार। थैंक यू दोस्तों, बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। आज आपने डायमंड का रिकॉग्निशन मेरा देखा है, तो शायद आपको लग रहा होगा कि मैं डायमंड आज बना हूं। नहीं, सिक्योर लाइफ बिजनेस को जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था, डायमंड तो मैं उसी दिन बन गया था, केवल प्रोसेस बाकी थी, केवल प्रोसेस बाकी थी, प्रोसेस। क्योंकि दोस्तों ये तो एक फाउंडेशन है कि आपके साथ में 10,000 लोगों का नेटवर्क होना चाहिए, एक क्राइटेरिया है, लेकिन दोस्तों ये क्राइटेरिया बहुत छोटा है। डायमंड बनने के लिए 10,000 का नेटवर्क नहीं, आपके दिल में आग होनी चाहिए, ऐसा मैंने काम करके सीखा। अगर आपके दिल में आग है, जुनून है, कुछ करने की तमन्ना है, आप रियली में बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, और आपने विजन से बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो डायमंड तो जिस दिन आप फॉर्म पे साइन अप कर लेते हैं, 350 रुपए जेब से निकाल के पे कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है, DD कोरियर कर देते हैं, डायमंड तो आप उसी दिन बन जाते हैं। दोस्तों लेकिन मैं डायमंड बना कैसे, क्योंकि आप 5 साल पहले मुझे मौका मिला था इस बिजनेस को देखने का। 5 साल पहले मैं बीएड का एक स्टूडेंट था, बीएड की पढ़ाई कर रहा था, बहुत ही एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूं मैं, नॉर्मल परिवार से हूं। मेरे पिताजी और दादाजी दोनों ही सरकारी नौकरी में थे, तो रिश्तेदारों की, घर वालों की, सबकी उम्मीदें थी कि मैं भी सरकारी नौकरी करूं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और मैंने भी यही सोचा कि सरकारी नौकरी सबसे अच्छी होती है, और क्योंकि सरकारी नौकरी के अलावा अच्छा और भी कुछ होता है ऐसा मुझे या मेरे परिवार में किसी को कुछ भी पता नहीं था, मैं ही जानता था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब इस बिजनेस को मुझे देखने का मौका मिला, तो मेरे ही घर के एक सदस्य गांव में जो रहते हैं उनके माध्यम से, मेरे चाचा जी के माध्यम से इस बिजनेस को मुझे देखने का मौका मिला, और इस बिजनेस को मैं देखने के लिए आया। दोस्तों मैं आज सैल्यूट करता हूं उन शख्स को जिसने मुझे बिजनेस दिखाने का मौका दिया। अगर मैं
बिजनेस नहीं देखता, ये बिजनेस दिखाने का मुझे मौका नहीं देता वो शख्स, तो क्या आज मैं डायमंड होता? क्या आज मैं डायमंड होता? यस और नो? नहीं होता। मैं सैल्यूट करता हूं उस शख्स को, लेकिन उसको सैल्यूट करने से पहले मैं ऊपर वाले का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है ऊपर वाले की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगर वो नहीं चाहता तो मैं डायमंड कैसे बन जाता, है कि नहीं है? तो ऊपर वाला चाहता था कि मैं डायमंड बनूं, सिक्योर लाइफ बिजनेस मेरे लिए था, और उसने मुझे मौका दिया और माध्यम चुना उस व्यक्ति को। दोस्तों आज मैं डायमंड की जो मेरी सेलिब्रेशन हुई है, इसमें इसकी सफलता के लिए मेरा कोई रोल नहीं है। आज इतना बड़ा मुझे एम्पायर जो बिजनेस मुझे मिला है, इसमें बहुत बड़ा मेरा कोई हाथ नहीं है। इसका क्रेडिट जाता है उस शख्स को, ऊपर वाले को, मेरे परिवार को, मेरे मम्मी पापा, जिन्होंने शुरू से ही हमेशा परेशानियां सहने के बाद में हमेशा कोशिश की कि मुझे हर वो दुनिया की खुशी दे सकें जितनी वो अपनी क्षमता है, क्षमता से कई गुना ज्यादा उन्होंने मुझे खुशियां देने की कोशिश की। मैं जरूर डायमंड में नहीं होता दोस्तों, आज मैं डायमंड हूं, तो डायमंड बनने के पीछे जो क्रेडिट जाता है तो सिक्योर लाइफ को जाता है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को जाता है, और मेरे सारे मेंटर्स को जाता है। इन लोगों की वजह से आज मुझे डायमंड से हासिल हुई है। ये जो क्राउन मुझे मिला है आज, ये क्राउन पे मेरा नहीं है, मेरे मेंटर्स का है, मेंटर्स ने मुझे दिया है। दोस्तों इन्होंने ही मुझे इस लायक बनाया कि आम आदमी से मुझे खास बनने का मौका सिक्योर लाइफ का रास्ता दिखा करके मेंटर्स ने दिया। दोस्तों अगर मैं बात करूं, अगर कैसे सौम्य, किस तरह से सौम्य तरीके से व्यवहार करना है अपना, ये मैंने कपिल जी से सीखा। दूसरों को बिल्कुल जिस तरह से अपने को कोई पीड़ा होती है, वो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके दूसरों के साथ फैमिली मेंबर बन करके कैसे काम किया जाता है, ये मैंने नरसिंह ग्रेवाल जी से सीखा। अगर मैं बात करूं ओम प्रकाश जी की, तो ओम प्रकाश जी हमेशा जहां जरूरत होती है बच्चे की, तो बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, जहां जरूरत होती है भाई की, तो छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं, जहां अगर बड़े भाई की जरूरत होती है तो वहां बड़े भाई की तरह ट्रीट करते हैं। और दोस्तों ऐसा अकेले मेरे साथ ही नहीं, क्योंकि पहले तो मुझे लगता था ओम प्रकाश जी की नजरों में शायद मैं बहुत खास हूं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जहां भी कोई भी मेरा मुझे कोई केयर नहीं करता था, वहां ओम प्रकाश जी हमेशा मेरा ध्यान रखा करते थे। तो ये सारी चीजें मैंने ओम प्रकाश जी से सीखी। और अगर किसी बिजनेस को अगर आपने कमिटेड होकर कैसे काम करना है, अगर कमिटमेंट अगर अपना देना है, अगर समर्पित होकर काम करना है, तो मैंने अपने मरकरी लीडर संजय जैन जी से सीखा। और अगर 24 आवर में से 24 आवर का कमिटमेंट कैसे देना है, अगर एनर्जी के साथ में कैसे काम करना है, दूसरों की परवाह कैसे करनी है, केयरिंग कैसे करनी है, इतना केयरिंग पर्सन तो मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखा। और ये सारी चीजें मैंने सीखी राजीव चतुर्वेदी जी से। मैं चाहूंगा मेरे सारे गुरु मेंटर्स के लिए एक जोरदार तालियां बजाएं, आप जोरदार तालियां बजाएं। दोस्तों 5 साल में काम करते हुए आज मैं हीरो बुक से कार में आ गया हूं, मैं आज डायमंड बन चुका हूं, आज मैं इस सिक्योर लाइफ से 50 लाख रुपए कमा चुका हूं दोस्तों, सिक्योर लाइफ की वजह से। दोस्तों ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि 6 फिगर में इनकम में लूंगा, मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन दोस्तों इसी बिजनेस की वजह से मेरे पास कार है। दोस्तों ऊपर वाले के आशीर्वाद से और गुरु लोगों की मदद से आज दोस्तों मेरे साथ में इतनी पावरफुल टीम है दोस्तों, और मैं साबित कर दूंगा ये टीम आने वाले 2010 में सिक्योर लाइफ में नंबर 1 टीम साबित होकर दिखाऊंगा। दोस्तों मुझे फक्र है अपनी टीम के ऊपर, मुझे फक्र है अपने लीडर्स के ऊपर, मुझे प्राउड है अपनी कोर टीम के ऊपर कि इतनी प्यारी टीम मुझे मिली जिसके साथ में काम करते हुए आज दोस्तों मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल रही हैं दोस्तों। और मैं एक बात का और वादा करता हूं, जितनी प्यारी मुझे भगवान ने टीम दी है, इन टीम के साथ में रात दिन एक करने के लिए मैं भी तैयार हूं। आपका 1 कदम माधव के 2 कदम, आप दिन में जगेंगे, मैं रात में आपके लिए जगूंगा। आप काम करने की शुरुआत तो करिए दोस्तों, ये डायमंड का मंच आपके लिए इंतजार कर रहा है। आप आइए डायमंड का रिकॉग्निशन कराने के लिए, तो सारे के सारे मेंटर्स लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, यहां पर खड़े होकर कर रहे हैं। आप इंतजार तो आप काम करने का डिसीजन तो लीजिए। चार चार 400 बरस लगे, ये हफ्ते कैसे होंगे पार नहीं कर सकता मैं, और एक दिन भी इंतजार आज ही पहना दे पहना। माधव सिंह ने नाम रोशन कर दिया, अच्छा लग रहा है। माधव ने नाम रोशन कर दिया, क्या बात है।